नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। भारत की सरहदों से सटा चीन है, जिसकी शातिराना फितरत से पूरी दुनिया त्रस्त है। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देने के लिए भारत सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अंत में चीन की चलाकियां सब कुछ मिट्टी में मिला देती हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में शातिर ड्रैगन ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। दोनों मुल्कों के जवानों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के जहां 20 जवान शहीद हो गए, तो वहीं चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। आलम यह है कि दोनों मुल्कों के बीच तनातनी का दौर चल रहा है, तनाव का माहौल है, लेकिन इन सब के बीच दुनिया का एक कोना ऐसा है जहां महाकाली के प्रति दिखती है चीनी लोगों की भक्ति। महाकाली के दरबार में चीनी लोग लगाते हैं हाजरी, जहां महाकाली को लगता है चाइनीज भोग। जी हां, पश्चिम बंगाल में महाकाली का एक ऐसा मंदिर है जहां चाइनीज देवी की आराधना करते हैं। कोलकाता शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर टांगरा शहर है, जो चाइना टाउन के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सदी पहले चीनी लोगों का एक समूह यहाँ आया और फिर बाद में यहीं बस गया। लेकिन चीनी लोगों का माँ काली को पूजना, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। तकरीबन 60-70 साल पहले पीपल के पेड़ के नीचे स्थानीय लोगों ने माँ काली की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित कर दी। हिंदुओं की देखा देखी चीनी लोग भी माँ काली की इस मूर्ति की पूजा करने लगे, और लोगों का ऐसा कहना है कि फांगचुंग नाम का एक भक्त इस इलाके में रहता था और शक्ति के आशीर्वाद से उसका कारोबार चल पड़ा। विदेशों में उसको रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिला, और बाद में जब माँ काली का वो भक्त वापस आया तो उसने ना सिर्फ माँ काली के इस मंदिर का निर्माण करवाया, बल्कि अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को भी स्थापित किया। और तभी से इस मंदिर में जोड़ा महाकाली की मूर्तियां रखी गई, जिसके बाद माँ काली के इस मंदिर का नाम चाइनीज मंदिर पड़ गया। और आज इस मंदिर में हिंदुओं के साथ साथ चीनी लोग भी पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ माँ काली की पूजा करते हैं। नूडल्स, चौरसी, चावल और सब्जियों का भोग चढ़ता है माता काली को। माता काली के प्रति चीनी लोगों की भक्ति, माँ काली के प्रति चीनी लोगों का विश्वास, माँ काली पर चीनी लोगों की श्रद्धा, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बावजूद भी चीनी लोगों का माता काली को उनकी पूजा करना, ये बताता है कि हिंदू धर्म एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। बहरहाल, वर्तमान हालातों को देखते हुए चीनी लोग माँ काली से बस यही मांग रहे हैं कि जैसे तैसे दोनों मुल्कों के बीच जो तनाव है, आखिरकार वो खत्म हो जाए।